हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं आशीष मौर्य। फ्रेंड्स, आज हम कमेंट बॉक्स के रूप में जो हम वीडियो बनाते हैं, जैसे कि आप लोग जो कमेंट होते हैं NETS में, हम उनको पिक करते हैं और उनका जवाब देते हैं, जिसको हम डाउटफुल सेशन बोलते हैं। तो मैं आज उस डाउटफुल सेशन को लेकर आप लोगों के सामने हाजिर हूँ, उसका दूसरा पार्ट है। तो फ्रेंड, चलिए वीडियो को देर कम करते हुए स्टार्ट करते हैं। आप समझ सकते हैं फ्रेंड कि एक छोटे छोटे डाउटों पर, हर डाउट पर वीडियो बनाना आसान नहीं है, जिससे कि काफ़ी स्टूडेंट को प्रॉब्लम होगी। वो बहुत सारा वीडियो देखेगा तो धीरे धीरे उसके डाउट क्लियर होंगे। तो मैं क्या कोशिश किया करता हूँ कि मैं कई कमेंट पिक करता हूँ, जैसे 8-10-12 कमेंट हो गए, एक छोटा वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ 8-10 मिनट के अंदर ही। तो ऐसे वीडियो मैं बनाऊँगा, तो जिस तरीके से आप लोग 8-10 मिनट की वीडियो देख लेंगे, तो आप लोगों का लगभग लगभग 10 से 15 डाउट आप लोगों के क्लियर हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप लोगों के डाउट बहुत ही आसानी से और जल्दी सही हो जाएंगे फ्रेंड। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, डाउटफुल सेशन को शुरू करते हैं। जो पहला ये कमेंट है वो विवेक कुमार जी पूछते हैं। वो पूछते हैं कि सर, माइनिंग ब्रांच से NETS पर 1 वीडियो बनाइएगा। तो यानी इनके कहने का मतलब है कि जो माइनिंग ब्रांच में जो हम एस्टेब्लिशमेंट फाइन करते हैं, उस पर ये वीडियो बनाने के लिए हमसे बोल रहे हैं। तो विवेक कुमार जी, जल्द ही मैं वीडियो बनाऊँगा उस पर, तो आप ट्यून किए रहिए, ठीक है। तो चलते हैं अगले कमेंट की तरफ। अगला जो कमेंट किया है वो लाल कृष्ण जी ने किया है। वे पूछते हैं कि हाउ टू क्रिएट NETS रिज्यूम। तो सर बताइए, आप लोग मेरा वीडियो नहीं देखते हैं, अगर आप लोगों ने देखा होगा तो आप, मैं उसमें बनाया हूँ कि NETS के रिज्यूम कैसा बनाएं, ठीक है फ्रेंड्स। आप वहाँ जाकर के देख सकते हैं, मैं उसका लिंक यहीं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आई बटन में दे दे रहा हूँ, इधर कहीं आसपास आ जाएगा। आप वहाँ पर क्लिक करिए, आपको सारा डिटेल में जो रिज्यूम के लिए है, क्या डिटेल रहेगा, क्या कंटेंट वहाँ पे डाला जाएगा, तो जिससे कि अप्रेंटिसशिप मिलने में आसानी हो, तो आप लोगों के लिए बहुत आसान है, वो आप वीडियो देख के पता कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं अगले कमेंट की तरफ। जो अगला कमेंट किया है वो कुमार पाल जी ने किया है। वो पूछते हैं कि सर, मेरा 2021 में डिप्लोमा कम्प्लीट होगा, क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ इसके पहले? तो कुमार पाल जी, देखिए, अप्लाई तो आप नहीं कर सकते हैं, हाँ रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, उसमें ऑप्शन रहता है रजिस्ट्रेशन करने का। जैसे मान लीजिए आप डिप्लोमा अपीयरिंग है, आपका लास्ट सेमेस्टर है, अभी रिजल्ट नहीं आया है, तो आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। वहाँ 5वें सेमेस्टर की मार्कशीट आप लगा सकते हैं, और जैसे कि अगर वेरीफाई वराई हो जाएगा तो फिर अगर आप फाइनल कर लेते हैं, आपको प्रोविजनल सर्टिफिकेट और मार्कशीट मिल जाता है, तो फिर बाद में आप उसको करेक्शन करा सकते हैं, क्योंकि अप्लाई नहीं कर सकते हैं सर। अगला जो क्वेश्चन पूछा है वो अंजू मौर्य ने पूछा है। वो पूछते हैं कि सर, अगले संडे को मेरा भी कमेंट पिक कीजिएगा। तो मैं बता देना चाहता हूँ कि आपका कोई डाउट होगा वो डाउट पूछिए, मैं उसको पिक करूँगा। वैसे मैंने इस कमेंट को भी पिक कर लिया, जिससे आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। आपको कोई डाउट हो तो वो पूछिए, मैं उसको ज़रूर पिक करूँगा। फ्रेंड, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन पूछा है वो टेकी विवेक जी ने पूछा है। वो पूछते हैं कि इंटरव्यू प्रोसेस में क्या होता है। तो विवेक जी, देखिए, इंटरव्यू प्रोसेस में जो कंपनी आपको इंटरव्यू के लिए बुलाएगी, वहाँ पे जो इंटरव्यू लेने वाले जो होंगे, HR होंगे उनके, वो इंटरव्यू लेते हैं। तो वो नॉर्मल सा बात है, पहली बात तो आप जिस कंपनी में जा रहे हैं वहाँ पर आप उसके बारे में जानकारी रख लीजिए कि कंपनी क्या है, कंपनी के बारे में सारे डिटेल रख लीजिए डिटेल, फिर उसके बाद अपना ब्रांच वगैरह सब तैयार कर लीजिए जिस ब्रांच से हैं। तो वो कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, और प्रोसेस के बारे में बता देना चाहता हूँ कि जैसे इंटरव्यू होता है तो पहले आप वहाँ जाते हैं, अपना सारा डॉक्यूमेंट दिखाएंगे, यानी रिज्यूम वगैरह दिखाएंगे। तो रिज्यूम दिखा देंगे तो रिज्यूम के अकॉर्डिंग वो आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, फिर उनका क्वेश्चन पूछने के बाद उनको जितने लोगों को सेलेक्ट करना होगा, जैसे भी आप अगर इंटरव्यू पास कर लेते हैं तो आपको ईमेल या मेल करेंगे, और आपको नंबर पर भी मेल करके बुलाया जाएगा ज्वाइनिंग के लिए, ठीक है। तो आई थिंक वो डाउट आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। तो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन पूछा है वो राहुल देवगढ़ जी ने पूछा है। वो पूछते हैं कि सर, मेरा पासिंग ईयर 2016 है, बट ऑप्शन में 2016 नहीं बता रहा है, प्लीज़ हेल्प। तो राहुल जी, मैं आपका कमेंट का मतलब समझ गया हूँ। इसका ये मतलब है कि जैसे आप रजिस्ट्रेशन कर रहे होंगे, तो आप वहाँ पे जैसे ही पासिंग ईयर सेलेक्ट कर रहे होंगे, तो वहाँ पे पासिंग ईयर आपका नहीं आ रहा होगा, वहाँ पे 2018-19-20 आ रहा होगा। तो देखिए राहुल जी, मैं बता देना चाहता हूँ कि डिप्लोमा जैसे आप कंप्लीट कर लेते हैं, तो आपके पास अगर डिप्लोमा के बाद बीटेक करते हैं, तो आपके पास 3 साल का टाइम रहता है बीटेक करने के लिए। तो आप जब बीटेक कर लेते हैं तो उस पर रजिस्ट्रेशन करते हैं, तो इसलिए डिप्लोमा करने के बाद आपको 3 साल का वो समय देता है कि आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं वहाँ तक। अगर आपने 3 सालों में रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, तो आप लोगों का रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकता है। तो आई थिंक आप लोगों का डाउट क्लियर हो गया होगा।
फिर भी अगर आप लोगों को इससे कुछ और भी क्वेश्चन है तो आप लोग एक बार जो नंबर है वहाँ पे NETS की वेबसाइट पे मेंशन है उस पर एक बार फ़ोन करके उनसे कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलते हैं अगले कमेंट की तरफ। अगला जो क्वेश्चन पूछा है वो दिलीप चौरसिया जी ने पूछा है। वो पूछते हैं कि सर रजिस्ट्रेशन नंबर कितने दिन में आ जाता है। तो देखिए दिलीप जी, जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन करते हैं, रजिस्ट्रेशन करने के बाद अगर आपका वेरीफाई हो जाता है तो तुरंत आपको रजिस्ट्रेशन नंबर या रजिस्ट्रेशन ID बोल सकते हैं, वो आपको तुरंत मिल जाएगा। अब वेरीफाई होने में 1 हफ़्ता लगेगा, 10 दिन 15 दिन लग सकता है, तो आप उस हिसाब से रख लीजिए। वैसे कम से कम 1 हफ़्ते लगते हैं। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन पूछा है वो अरुण कुमार जी पूछते हैं। उन्होंने लिखा है कि सर मेरा मोबाइल नंबर गलत हो गया है, क्या करें। तो देखिए अरुण जी, मोबाइल नंबर आपको गलत हो गया है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पे NETS अपनी लॉगिन ID से लॉगिन करिए, वहाँ पे एडिट प्रोफाइल पे या अपडेट प्रोफाइल का ऑप्शन होगा, उस पर आप क्लिक करिए, वहाँ पे जाइए, नंबर चेंज करने का ऑप्शन आता है, आप चेंज करके OTP आएगा, उसको वेरीफाई करा देंगे, आपको नंबर भी चेंज होगा। और ऐसे ही आप लोग ईमेल ID भी चेंज कर सकते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन पूछा है वो पूछा है राकेश दीवन जी ने पूछा है। वे पूछते हैं कि भाई मेरा प्रोविजनल नहीं मिल रहा है, NETS में डाला था, क्या उस पर जाके वापस सेव कर सकते हैं, प्लीज़ भाई जल्दी बताना। तो देखिए मैं बता देना चाहता हूँ कि आप आसानी से जा कर के वहाँ से सेव कर सकते हैं, लेकिन जैसा कि मैं आपको बताऊँ कि आप जो स्कैन कॉपी जो स्कैन करके डाले होते हैं वही आप लोगों का पड़ा होता है, वो ओरिजिनल नहीं होता है। आप उसको ट्रू कॉपी की तरफ यूज कर सकते हैं, लेकिन प्रोविजनल आपका जो ओरिजिनल होता है मिलता है वहाँ से, आप वो यूज उसका यूज नहीं करेगा वो। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर छोटा मोटा काम हो तो आप यहाँ से ओरिजिनल डाउनलोड कर सकते हैं, उसका यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर वास्तव में आपका ओरिजिनल नहीं मिल रहा है तो उसको कृपया आप खोज लीजिए, आपको भविष्य में उसकी बहुत ज़रूरत पड़ेगी। अगर नहीं मिलता है, खो जाता है, तो बनवाने के लिए भी बहुत परेशानी झेलना पड़ता है। तो मैं समझता हूँ कि अगर मान लीजिए खोजिए नहीं मिल रहा है तो आप उसको ज़रूर से ज़रूर बनवा लीजिए, अभी आप लोग पास टाइम है, अभी लॉकडाउन वगैरह चल रहा है सब, अभी धीरे धीरे खुल रहे हैं कॉलेज, तो उसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं, आप बनवा लीजिए अभी भी जा करके। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन पूछा है वो उदित सिरके जी ने पूछा है। वो पूछते हैं कि सर टर्मिनेशन होने में कितना दिन लगता है। तो देखिए टर्मिनेशन का मतलब है जैसे कि आप लोग किसी कंपनी में, मान लीजिए आप लोग का हो गया सिलेक्शन, अप्रेंटिसशिप के लिए आप गए, वहाँ पे आप लोग कंपनी पसंद नहीं आया या वहाँ का रहना खाना या जैसे मान लीजिए तबीयत ख़राब हो गया आपका किसी भी कारणों से, आप कुछ वो कंपनी में आप नहीं करना चाहते अप्रेंटिसशिप, तो आपको वहाँ पे एक उनको मेल लिखना पड़ेगा। तो आप मेल लिखेंगे तो वो वहाँ से आपको टर्मिनेशन के लिए अप्रूव कर देंगे। तो उसको अप्रूव करने में मेरे हिसाब 15 से 20 दिन लगते हैं अप्रूव करने में, आप वहाँ से करा सकते हैं। लेकिन एक चीज़ और है कि अगर आप मान लीजिए 1 महीना काम किए या 2 महीना काम किए कंपनी में, तो जो 2 महीने की सैलरी आपको कंपनी दी है वो सैलरी आपको वापस करनी पड़ेगी वहाँ पे, तभी जाके आप लोगों का टर्मिनेशन होगा, नहीं तो वरना टर्मिनेशन नहीं हो पाएगा। क्योंकि टर्मिनेशन होगा तो यहाँ NETS से भी टर्मिनेशन हो जाएगा, जिससे कि आप लोग कहीं और फर्दर कर सकते हैं। लेकिन अगर वहाँ से पूरी तरीके से टर्मिनेशन नहीं होगा तो आप लोग कहीं आगे भी अप्रेंटिसशिप नहीं कर पाएंगे, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। तो चलते हैं अगले कमेंट बॉक्स की तरफ। अगला जो क्वेश्चन पूछा है वो राज वर्मा जी पूछते हैं। वे पूछते हैं कि सर मेरा कम्युनिटी डिटेल में जनरल विथ माइनॉरिटी हो गया है गलती से। एक्चुअली मैं जनरल से फॉर्म भर रहा था, कुछ इशू तो नहीं होगा बताओ प्लीज़, या फिर करेक्शन करना पड़ेगा बताओ कैसे करें प्लीज़। तो राज वर्मा जी, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आप लोग यहाँ से करेक्शन देखिए नहीं हो पाएगा, आप लोग जो करना चाहते हैं आपको करेक्शन करना ही पड़ेगा क्योंकि ज़रूरी है। लेकिन करेक्शन कैसे करना है मैंने उस पर एक वीडियो बनाया हुआ है काफ़ी डिटेल से, आप जा करके यूट्यूब पर देख सकते हैं या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक दे दे रहा हूँ, आई बटन में भी उसका लिंक आ जाएगा उस वीडियो का। तो आपको डॉक्यूमेंट करेक्शन का वीडियो आप देख सकते हैं, जैसे उसमें मेल करने के लिए बताया गया है सेम उसी प्रोसेस से आप मेल करेंगे, और जैसे ही वो मेल करेंगे आप लोगों को रिप्लाई आएगा, अपना डिटेल देंगे। तो ध्यान दीजिएगा इसमें आपको क्या क्या डिटेल देना है। आपको सबसे पहले जाति प्रमाण पत्र देना पड़ेगा, वहाँ पे आधार कार्ड देना पड़ेगा, ठीक है, 2-3 चीज़ें जो भी आप मांगेंगे वो हम दे सकते हैं, आपका सही हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं अगले कमेंट की तरफ। अगला जो क्वेश्चन पूछा है वो पूछते हैं स्टूडेंट रियल टैलेंट जी। वो पूछते हैं कि सिलेक्शन के बाद NETS पोर्टल पर क्या दिखाता है। तो देखिए इस टॉपिक पर जल्द ही एक वीडियो आने वाला है मेरा,
वो वीडियो मैं जल्दी ही बनाऊंगा, आने वाले 2-3 दिनों के अंदर मैं उस वीडियो को आप लोगों के सामने रखूंगा, जिससे कि आप लोगों को पता चले कि सिलेक्शन होता है तो कैसा मैसेज आता है, और मैसेज आने के बाद अगर सिलेक्शन हो जाता है, हमारी जो कंपनी में ज्वाइन कर लेते हैं, तो किस प्रकार सिलेक्शन होता है उसका वीडियो मैं जल्दी 2-3 दिनों के अंदर लाऊँगा। तो आप लोग ट्यून किए रहे मेरे चैनल पर, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वो पूछते हैं राकेश कुमार जी, वे काफ़ी ये हमारे हैं सब्सक्राइबर हैं पहले से ही, वो फिर कमेंट किए हैं, उन्होंने किया थैंक्स सर जी, आपकी वजह से मेरा अप्रेंटिस लगा है, थैंक्स सर, अप्रेंटिस HAL में। तो राकेश कुमार जी बहुत बहुत धन्यवाद, मेरे ऊपर विश्वास आप लोगों ने जताया आपने, और आप लोग आपका सलेक्शन हो गया तो काफ़ी मुझे भी अच्छा लग रहा है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं मुझसे कि सर मेरा सलेक्शन कैसे होगा, मेरा सलेक्शन कैसे होगा। तो स्टूडेंट देख लीजिए, इनका सलेक्शन हुआ HAL में, तो मेरे हिसाब से लगता है कि अभी बेंगलोर का जो हुआ था HAL में उनकी वहाँ पे हुआ होगा। तो अच्छी बात है राकेश कुमार जी, जाइए अप्रेंटिस करिए, आपका भविष्य उज्जवल रहे। तो चलिए चलते हैं अगले कमेंट की तरफ। अगला जो क्वेश्चन पूछा है वो अजय जाटव जी ने पूछा है, वो पूछते हैं कि सर एक वीडियो बनाओ कि डिप्लोमा से डिग्री में अपग्रेड कैसे करें। तो देखिए अजय जी, मैं जल्द ही एक वीडियो बनाऊंगा, आपके सामने लाऊंगा आप लोगों के सामने, कि डिप्लोमा से डिग्री में कैसे अपग्रेड करें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो डिप्लोमा कर लेते हैं, उसके बाद रजिस्ट्रेशन कर देते हैं, उसके बाद डिप्लोमा से अपना ग्रेजुएशन भी करते हैं, तो मान लीजिए ग्रेजुएशन के बीच में जब करते हैं तब तक तो कोई अप्रेंटिसशिप करते नहीं है, क्योंकि जब ग्रेजुएशन कम्प्लीट होता है उसके बाद रजिस्ट्रेशन करने में काफ़ी दिक्कत होता है। ये बहुत लोगों की समस्या है, कई लोगों ने हमसे कमेंट पूछा, हम सबके कमेंट का ध्यान देते हैं, तो जल्द ही इस पर एक वीडियो आएगी, तो आप लोग ट्यून किए रहिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन पूछा है वो ज्योतिष लाल जी ने पूछा है, वो पूछते हैं कि सर मेरा सिलेक्शन किसी और डिस्ट्रिक्ट में हुआ और मैं दूसरे डिस्ट्रिक्ट में ट्रांसफ़र हो जाएगा कि नहीं अप्रेंटिसशिप करने के लिए, प्लीज़ बताएँ। तो देखिए ज्योतिष लाल जी और जितने भी स्टूडेंट हैं उनका ये प्रॉब्लम है, बता देना चाहता हूँ, जैसे वो डिपेंड करता है कंपनी की तरफ से, जैसे मान लीजिए आप जॉब करते हैं या अप्रेंटिस करते हैं किस कंपनी में, तो वो कंपनी का ब्रांच होना चाहिए कहीं और ट्रांसफ़र कराने के लिए, ऐसा नहीं है कि वो कंपनी इधर उधर ट्रांसफ़र कर देती है, लेकिन जिस ब्रांच से लिंक रहता है NATS पे हो जाता है तो बहुत मुश्किल होता है कराने के लिए। तो आप लोगों को कराना हो तो एक बार कम से कम उस कंपनी के आप बात कर लीजिए, अगर उनके वहाँ ऐसा ऑप्शन होगा तभी आपका हो सकता है, हर कंपनी में ऑप्शन सुविधा उपलब्ध नहीं है। तो आई थिंक आपका ये डाउट क्लियर हो गया होगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन पूछा है वो अर्पित विसेन जी ने पूछा है, वो पूछते हैं कि सर इलेक्ट्रिकल में 2 जगह अप्लाई किया है तो दोनों जगह से कॉल आएगा। तो देखिए अर्पित जी, कॉल तो दोनों जगह से आ सकता है, जैसे मान लीजिए दोनों अपना अलग अलग मेरिट बनाते हैं तो आ जाएगा आपको कॉल, लेकिन जिस कंपनी से पहले कॉल आएगा आपको वहाँ पे एक्सेप्ट या रिजेक्ट करना पड़ेगा। अगर उनका ऑफ़र आप रिजेक्ट कर देते हैं तो दूसरी कंपनी से आएगा तो आपको ऑफ़र एक्सेप्ट करते हैं तो आपका हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप दोनों जगह से कर लें, क्योंकि अप्रेंटिसशिप एक ही जगह से एक ही बार करनी है, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। आई थिंक आप लोगों का डाउट क्लियर हो गया होगा। अगला जो क्वेश्चन पूछा है वो संजय यादव जी ने पूछा है, वो पूछते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट में पेंडिंग आ रहा है अप्लाई के बाद, फिर क्या प्रोसेस करना है बताइए प्लीज़। देखिए आप इस्टेब्लिशमेंट के अप्लाई कर देंगे तो उसका आपके बाद कुछ नहीं करना है, 90 दिन के अंदर वो कॉन्ट्रैक्ट अगर करते हैं, यानी कि आप लोगों का जैसे सिलेक्शन करते हैं तो आपको अगर सिलेक्शन होता है तो आपको मेल आएगा वहाँ से या मैसेज आएगा। तो मैं एक वीडियो बनाऊँगा उस पर सेपरेट जल्दी आने वाले 2-3 दिनों में, तो इस वीडियो में बताऊँगा किस तरीके से आप लोग का कॉन्ट्रैक्ट आता है वहाँ से, और किस तरीके से साउंड करने के बाद आप लोगों को क्या दिखाता है, ठीक है। तो वो वीडियो देख लीजिएगा, आप लोगों का सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा अगर कोई आपको और डाउट हो तो आप जाकर मेरे चैनल पर बहुत सारे वीडियोज़ पड़े हुए हैं, आप आसानी से देख सकते हैं, ठीक है। तो आई थिंक ये डाउट क्लियर हो गया होगा आप लोगों का। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ क्वेश्चन जो मैंने वहाँ से पिक किए थे कमेंट से, और उनका जवाब देने की कोशिश किया था। आई थिंक ये जितने भी मैंने क्वेश्चन के जवाब दिए हैं आप लोगों के क्लियर हो गए होंगे। तो अगर आप लोगों का भी कोई क्वेश्चन हो NATS से रिलेटेड जिसमें आप लोगों को दुविधा हो रही हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, वहाँ पर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं उसका जवाब ज़रूर दूँगा, आप लोगों को जवाब भी दूँगा, और उस पर मैं वीडियो भी बनाकर दूसरे स्टूडेंटों को भी उस डाउट को क्लियर करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि हर स्टूडेंट कमेंट बॉक्स के अंदर जाकर उसका रिप्लाई नहीं देखता है तो जिससे उनको दिक्कत होती है। तो फ्रेंड्स, आप लोग गुस्सा मत होइएगा, सारा कमेंट मैं नहीं पिक कर सकता हूँ एक ही बार में, तो मैं धीरे धीरे ऐसे ऐसे डाउट क्लियर करता चला जाऊँगा। इसके अलावा भी अगर आप लोगों का कोई डाउट हो तो आप लोग मुझसे बेझिझक पूछ सकते हैं, ठीक है। फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।